वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात हुई है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल भी इस मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म के दौरा कराची से मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात हुई है और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल भी इस मुलाकात में मौजूद थे। मुलाकात के मनाज़िर आप मुलाहिजा कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर आज कराची पहुँचे हैं और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह ने उनका इस्तकबाल किया और मुलाकात हुई है। मुलाकात के मनाज़िर जैसा कि आप मुलाहिजा कर सकते हैं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात और इस मुलाकात में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल भी मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म का कराची का एक रोज़ा दौरा है और कल वज़ीर-ए-आज़म ने लाहौर का दौरा किया था। कल भी वज़ीर-ए-आज़म का एक रोज़ा दौरा था और आज वज़ीर-ए-आज़म की कराची में मसरूफियात, इसी मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं कि मुलाकात हुई है मुराद अली शाह से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की और गवर्नर सिंध भी इस मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर आज कराची पहुँचे हैं और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह ने उनका इस्तकबाल किया। इसी पर बात करेंगे कैपिटल टीवी के नुमाइंदे अकरम बलोच से। अकरम बलोच, मुलाकात का अहवाल बताइए और इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म की क्या मसरूफियात रहेंगी? देखिए, वज़ीर आज़म एक रोज़ा दौरे पर यहाँ कराची पहुँचे हैं। गवर्नर हाउस में इस वक्त उनकी मुलाकातें जारी हैं। सबसे पहले वज़ीर आज़म से वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की तफसीली मुलाकात हुई है। मुलाकात में गवर्नर सिंध भी शामिल थे। मुलाकात में खासतौर पर जो सिंध हुकूमत के तहफ़ुज़ात थे, जिसमें एनर्जी के इशूज़ हैं, खासतौर पर गैस की लोड शेडिंग है, पानी के मामला हैं, फाइनेंस के कुछ इशूज़ हैं जो NFC वार्ड के हवाले से जो सिंध हुकूमत को मिलते हैं उसमें जो कटौती की जाती है, इस हवाले से भी वज़ीर आला सिंध ने अपने खदशात का इजहार किया है। इसके अलावा सिंध के जो मेगा मंसूबे हैं जिसमें K4 है और इसके अलावा सर्कुलर रेलवे है और दीगर जो मंसूबे हैं, इस पर जो है ना वज़ीर आला सिंध की वज़ीर आला सिंध तफसीली बातचीत हुई है। और इसमें यकीनन बड़ी खुशी की बात है कि काफी अरसे के बाद वज़ीर आज़म और वज़ीर आला सिंध आपस में मिल रहे हैं। इससे कबल तो वज़ीर आज़म जब आते थे तो इस्तकबाल के लिए भी वज़ीर आला मौजूद नहीं होते थे, लेकिन इस मरतबा जो है वज़ीर आला खुद एयरपोर्ट वज़ीर आज़म को रिसीव करने गए और गवर्नर हाउस में सबसे पहले वजीर आला सिंह से मुलाकात की। इसके अलावा वजीर आजम से ताजिर बरादरी के भी वफ्द की मुलाकात जारी है और इस मुलाकात में जो यकीनन जो सनतों के हवाले से और सरमायाकारी के हवाले से जो ताजिर बरादरी है वजीर आजम से जो है ना तफसीली बातचीत करेंगे। GDA के पास वजीर आजम जो है ना GDA के अराकीन से मिलने खासतौर पर किंगरी हाउस जाएंगे और ये शाम 7 बजे वहाँ GDA से मुलाकात के हवाले से किंगरी हाउस में तैयारियाँ जारी हैं। पीर पगारा खुद वजीर आजम को वहाँ रिसीव करेंगे और जो GDA के तहफुजात हैं उस हवाले से भी वजीर आजम से तफसीली बातचीत होगी। जी सही, शाम 7 बजे वजीर आजम किंगरी हाउस जाएंगे जहां पीर पगारा से उनकी मुलाकात होगी। इसी मुतालिक तफसीलात से आगाह कर रहे थे अकरम बलोच, शुक्रिया आपका।